गुड मॉर्निंग। प्लीज आस्क एवरीवन टू ज्वाइन इमीडिएटली। सबको बोलिए एक बार सब जल्दी ज्वाइन करें। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तब तक डिस्कस करते हैं हम लोग, वो लोग ज्वाइन होते रहेंगे। ये लास्ट क्लास में एक सवाल किया है हम लोगों ने, दोनों आप लोगों ने सॉल्व किया है, प्रतिभा और कोमल, लास्ट क्लास का क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। प्रतिभा कोमल, अच्छा क्या क्वेश्चन था, कितना है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, कितना है प्रतिभा? हाँ, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना निकला उसमें? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जेड नॉर्मलाइज कितना निकला पहले ये बताइए, जेड नॉर्मलाइज कितना निकला? 0.5 प्लस 1 जे। वो तो लास्ट सवाल का था ना। लास्ट में एक और क्वेश्चन दिया था ना मैंने सॉल्व करने को। अवंतिका आदिति, ये लास्ट में क्वेश्चन दिया था ना, किया है आप लोगों ने सॉल्व? सेम आंसर। क्या क्वेश्चन क्या था? अच्छा हाँ, डबल कर दिया फिर। अच्छा ठीक है, तो मतलब लग गया है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना कैसे लगेगा। अगर देखिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए हमको, नहीं तो ऐसे हमको समझ में नहीं आएगा कि आपको सवाल समझ में आया है कि नहीं आया। तो आगे अभी दो पार्ट उसमें रह गया है, इनपुट इम्पीडेंस और इनपुट एडमिटेंस, दो चीजें बची हुई हैं, तो आगे मैं अभी बताऊंगा। तो ये VSWR और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट समझ में आ गया है, निकाल लेंगे हम लोग कभी भी। टाउ की वैल्यू निकाल लेंगे ना, VSWR इक्वल टू 1 प्लस मॉड टाउ अपॉन 1 माइनस मॉड टाउ, वहां से हमको टाउ की वैल्यू। हाँ, तो वहां से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और उसका डिग्री निकालने के लिए मैं बताता हूँ, एक बार और बता रहा हूं मैं आपको। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। अच्छा देखिए, इसमें एक बार पहले आया था 0.5, तो 0.5 रिएक्टेंस वाले में आ जाएगा, तो 0.5 कहाँ दिख रहा है हमको? यहाँ दिख रहा है, इधर ये 7, ये यहाँ ये है ना 0.5, दिख रहा है हमको? देखिए एक बार, ये सर्किल दिख रहा है हमको? एक सेकेंड, उसी सवाल को फिर से आगे बढ़ाते हैं, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बायोमेडिकल पढ़ेंगे। इसको आज खत्म कर लेते हैं, स्मिथ चार्ट को। एक बार ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। देखो ये पहले 0.5 पे चलते हैं हम लोग। 0.5 कुछ यहां पे है, ये है 0.5 का सर्कल, ये है 0.5, और रेजिस्टेंस पार्ट कितना देखना है? 1J, 1J मतलब हमारा हो गया 1। तो यहां पे आया होगा कुछ आपका, इस जगह पे आया होगा, 1 की वैल्यू यही है ना, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है। बोलते जाइए, समझ में नहीं आ रहा तो बोलते जाइए। यहाँ पे दोनों कोलाइड कर रहा है ना, इस जगह पे। और फिर मैंने क्या बोला था, 1.0 सेंटर लेना है और इसको मैच कर देना है। 1.0 कहाँ आ रहा है? ये रहा, ये डिस्टेंस नापेंगे, ये जो भी डिस्टेंस आएगा इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे।
सर्कल बना देंगे, इसी डिस्टेंस से एक सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा कुछ सर्किल ऐसे बना, मान लेते हैं ऐसे सर्किल बना इस डिस्टेंस से, तो ये जो सर्किल हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VSWR। हाँ, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ये लाइन जो दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, ये जहाँ कोलाइड कर रही है उसकी वैल्यू आ जाएगी इस जगह पे, ये एरिया मैं जो दिखा रहा हूँ, ये लाइन, ठीक है। यहाँ से हमको VSWR 4.2 निकल के आ गया हमारा। कोई जुड़ रहा है क्या, पता नहीं चल रहा है। यहाँ से VSWR 4.2 निकल के आ गया। जब VSWR हमको निकल के आ गया तो वहां से हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशियंट निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला है VSWR इक्वल टू 1 प्लस टाउ अपॉन 1 माइनस मॉड का टाउ। वहां से हमारा टाउ की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी, टाउ की वैल्यू कितनी निकली है, 0.6। और एंगल निकालना है हमको, तो यहाँ पे देखिए इधर दिखाया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये दिख रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट राइट साइड में, उसी में क्या करेंगे इस चीज को एक्सटेंड कर देंगे, इस चीज को इस लाइन में एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। यहाँ पे आपको कुछ 80 डिग्री मिला होगा, 82 डिग्री मिला होगा यहाँ पे पहली ये वाले इस वाले लाइन पे, हाँ 82 डिग्री मिला होगा, ठीक है। यहाँ तक ये दोनों चीजें हमको निकालने आ जाएगी। इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बताइए, ये दोनों चीजें क्लियर है हमको। देखिए इसमें एक 8 नंबर का सवाल पक्का आएगा, तो इसलिए क्लियरिटी रहना चाहिए। अब कोई भी सवाल दिया जाएगा तो VSWR और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे हम लोग। यस सर, इसमें दिक्कत नहीं, आगे बढ़े बाकी दो सवाल पढ़े, इसमें इसमें दिक्कत नहीं है ना। किसी को दिक्कत है, अवंतिका आपको दिक्कत है इसमें VSWR और इसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में, अदिति आपको, ये बना लेंगे अब हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, इनपुट इम्पीडेंस और इनपुट एडमिटेंस कैसे निकालते हैं, देखो बहुत आसान है, तो दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन पहले निकालते हैं, एक सेकंड मैं सवाल ढूंढ रहा हूं बस। अच्छा क्वेश्चन ये था कि अगर द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज 3.3 लैम्डा, और फिर पता करना था हमको इनपुट इम्पीडेंस और इनपुट एडमिटेंस, तो मतलब जो हमारा लेंथ है ये एरिया था, ये एरिया कितना था 3.3। देखिए आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है मेरा ना, ये एरिया था 3.3, ये वाला एरिया, ये एरिया 3.3 था। तो मतलब अगर हमारा इनपुट इम्पीडेंस यहाँ पे है, इस जगह पे है इम्पीडेंस यहाँ पे है, तो हम लोड से कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 3.3 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तब जाके हम लोग इम्पीडेंस पे पहुंच रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था लास्ट क्लास में कि व्हेन वी कवर द होल डिस्टेंस ऑफ स्मिथ चार्ट, वी कवर ए डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई टू। जब डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम लोग एक पूरा चक्कर लगाते हैं स्मिथ चार्ट का, ये हमको क्लियर था, ये मैंने बताया था आपको। अब देखिए क्या समझाना चाहता हूं मैं, तो देखो हमारा वैल्यू था, एक बार ध्यान से देखिएगा, 0.5 और 1.0, मतलब 0.5 यहां पे कुछ है और 1.0 मेरा यहाँ था, मतलब इस जगह पे कहीं कोलाइड कर रही थी वैल्यू यहाँ पे, तो मतलब इस जगह पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग खड़े हैं। अब यहाँ से हमको 3.3 डिस्टेंस कवर करना है, तो सबसे पहले तो 3 चलते हैं,
थ्री चलने के लिए हमको स्मिथ चार्ट में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? 6 चक्कर। एक रोटेशन में वी आर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई टू, तो इफ यू विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स, इफ यू विल कवर सिक्स सर्किल वी विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 3 लैम्डा। अगर यहाँ से 3 6 चक्कर चलेंगे तो कितना डिस्टेंस होगा? 3 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर है ना हमको ये चीजें? तो देखो मतलब हमको कहां से चलना है? लोड से जनरेटर की तरफ चलना है। राइट साइड में देखो लिखा हुआ है वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर, लेफ्ट साइड में यहाँ पे यहाँ दिखा आपको वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर, मतलब इसी चीज को 6 बार चक्कर लगाए तो हम लोग 3 लैम्डा पे पहुंच गए। तो कुछ नहीं करना है, इम्पीडेंस निकालने के लिए इस लाइन को और एक्सटेंड करना है, आगे एक्सटेंड करना है, आगे एक्सटेंड करिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0. ये आपकी वैल्यू दिख रही है 0.33 दिख रही है यहाँ पे, 0.32 जो भी दिख रहा होगा वैल्यू, यहाँ 0.13 दिख रहा है यहाँ पे। ये 0.3 ये वाला वैल्यू, ये 0.3 यहाँ पे। अब ये वैल्यू 0.3 इसको नोट करिए 0.3 इसको, और हमारा कितना डिस्टेंस बचा हुआ है एक सेकंड मैं कुछ गलत बोल गया, इसको मिटा देता हूँ एक बार। देखो इस चीज को आगे बढ़ा देंगे, इस चीज को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे आगे बढ़ाए, नॉर्मलाइज वैल्यू से आगे बढ़ाना है इसको हमको, यहाँ पे कुछ हम फ्लाइट कर रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे दिखा ये वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर वाली लाइन, ये दिख रही है ना हमको लेफ्ट साइड में, तो ये वैल्यू कितनी है 0.13 दिख रहा है हमको, 0.13 दिखा हमको 0.13 अपने स्मिथ चार्ट में, देखिए आप लोग 13 दिखा। हाँ तो लिखिए 0.13 प्लस 3.3 में और कितना बच गया है, 0.3 और ऐड करना है क्योंकि 3 तो हम लोग कवर कर चुके हैं, 0.3 और ऐड करना है। तो 0.13 प्लस 0.3 कितना हो गया 0.43, इतना क्लियर है हमको 0.43, ये चीजें क्लियर है हमको। अब देखिए 0.43 यहाँ कहीं नीचे आएगा, इधर कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं इस साइड में देखिए, ये देखा 0.43 का लाइन, ये दिखा ये 0.43 की लाइन। अब इसको क्या करेंगे, सेंटर से मिला देंगे, सेंटर से इसको क्या करेंगे मिला देंगे इस लाइन को 0.43 को, यहां से मिला देंगे 0.43 को सेंटर से मिला दिए, मिल गया, मिलाइए सब लोग साथ साथ में मिलाते रहिए, मिल गया ये लाइन, ये सेंटर से 0.43 हमको 0.43 नीचे यहाँ पे मिल गया, उसको हम लोगों ने सेंटर से मिला दिया। अब इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मलाइज वैल्यू निकाल रहे थे, तो वैसे इसकी वैल्यू लिख लेंगे कि जो हमारा रिएक्टेंस वैल्यू कितना है और रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, ये लिख लेंगे हम लोग। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? देखिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए एक एक, मतलब आप ही को समझना है। देखो इस लाइन को ये 0.43 समझ में आ गया आपको क्या बोला मैंने, 0.43 0.43 को इस चीज को यहाँ पे मिला देंगे, मिला दिए। अब देखो हमको क्या देखना है कि हमारा रिएक्टेंस वैल्यू, मतलब ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, तो हमको ये वाली सर्किल की वैल्यू देखनी है और वो वाली सर्किल कितने पे कोलाइड हो रही है, ये दोनों वैल्यू तो देखनी है हमको। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे देख के बताइए। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 अगर यहाँ पे कोलाइड कर रहा है तो 1 दिख रही है आपको, मान लेते हैं 0.8 मान लेते हैं 0.8 दिख रही है 0.8, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ 1.0 मान लेते हैं 0.8 पे कोलाइड कर रही है, मान ले रहे हैं 0.8 पे, एक तो 0.8 वाली वैल्यू हो गई, और ऊपर एक ये देखना आप जैसे हम नॉर्मलाइज लिख रहे थे, ये किस पे काट रहा है, ये सामने रेजिस्टेंस वाली वैल्यू किस पे कोलाइड कर रहा है, तो इस पे देखो अगर इसी चीज को लेके चलेंगे इस चीज को, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाली वैल्यू भी काट रही है, 1.2 वाली वैल्यू भी कहीं कोलाइड करेगी इससे, ये वाली दोनों एक जगह मिलेंगी ना, ये लाइन मान लीजिए कोलाइड कर रही है या ये लाइन कोलाइड कर रही है, अगर इसको लेके चलेंगे हम लोग, मान लो यहाँ पे हमारा सेंटर है तो यहाँ की वैल्यू 1 है, 1 मान लेते हैं, और इसको आगे जब चलते रहेंगे देखेंगे कौन सी लाइन कोलाइड कर रही है ये रिएक्टेंस वाली। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं?
जैसे हम लोग नॉर्मलाइज वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे इसकी वैल्यू निकालनी है और लोड से मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। हमारा इनपुट इम्पिडेंस निकल के आ जाएगा। मैं फिर से एक बार और बता रहा हूँ, एक बार सर आप मिटा के अभी आप लोग अपने स्मिथ चार्ट पे बनाते रहिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो इसको सर्किल लेके, एक सर्किल बना हुआ था हमारा ऑलरेडी, जिसको हम लोग VSWR बोल रहे थे। एक बार बना देता हूँ सर्किल फिर से। ऐसे एक सर्किल बना हुआ था जो हमारा VSWR था, और हमको एक वैल्यू मिल गई थी 0.43। यहाँ पे था हमारा 0.43, तो इसको लेते हुए हमको क्या करना था, ऐड यहाँ पे वन, इससे सर्किल से ये कर देना था, इंटरसेक्ट करा देना था। तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हमारा इम्पिडेंस वैल्यू हो जाएगा। तो देखो इंटरसेक्शन वैल्यू को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दो वैल्यू लिखते हैं हम लोग, पहला रिएक्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस वैल्यू। तो अगर इसको लेके चलेंगे तो दोनों सर्किल कहाँ कोलाइड हो रही है, बस हमको यही देखना है, दो सर्किलें कहाँ कोलाइड हो रही हैं। अगर मान लो यहाँ पे ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो एक ये सर्किल हो गया, ये वाला सर्किल, और एक ये वाला सर्किल हो गया। दोनों सर्किल दिख रहा है हमको, दोनों सर्किल दिख रहा है हमको, बस उसकी वैल्यू लिख देनी है। एक ये सर्किल दिख रहा है, ये सर्किल, ये दिख रहा है, ये चीजें, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों की वैल्यू लिखनी है बस। ये लाइन समझ गए? हेलो अच्छा ठीक है, एक बार और देखते हैं। देखो यहाँ ये सर्किल लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो सर्किल, मान लीजिए सर्किल पे यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये मान लिए हम लोग। अब क्या करना है, दो वैल्यू लिखना है बस, ध्यान से देखना, बस इसकी वैल्यू लिखना है, इस वाली जो ये लाइन, ये सर्किल बन रहा है, इसकी वैल्यू लिखना है, और एक ये जो ये वाली सर्किल बन रही है, ये वैल्यू लिखना है, ये बस दो वैल्यू लिखना है, एक पॉजिटिव में आएगी और नेगेटिव में आएगी, बस आंसर हो गया आपका। देखो यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो एक ये वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, इस ये जो हमारा रिएक्टेंस है, ये सर्किल का, इसकी वैल्यू लिखनी है जो मैंने इस पे बनाया हुआ है, और एक ये वैल्यू जो कोलाइड कर रहा है, ये वैल्यू, ये समझ में आ गया, समझ गए आप लोग? तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, वन है, वन, और इस वाली इस सर्किल की वैल्यू यहाँ पे वन दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू लिखना है अब हमको इस सर्किल की। एक आप लोग समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं, तो बताइए वैल्यू कितना आया, बताइए फिर कितना आ जाएगा वैल्यू, देख के बताइए इसमें चार्ट में। अगर दिक्कत है तो बताओ यार, ये ऑनलाइन में समझाने में थोड़ा फिगर में दिक्कत आ रहा है। आप लोग खुद ही सर्किल बना के वैल्यू बताओ हमको, फिर मैं बताऊंगा सही है गलत है या कहाँ गलत कर रहे हैं आप लोग। देख के बना के खुद ही बताइए वैल्यू कितनी आ रही है। बनाइए सभी लोग, बनाइए पांच, अवंतिका, प्रतिभा, आदित्य, शुभम, पारिक, बनाइए, बना के बताइए वैल्यू कितनी आ रही है, खुद से सर्किल बना के बताइए। प्रतिभा कितना आ रहा है वैल्यू? और इधर वाला वो तो जे वाला साइड हो गया, जे वाला, जे का साइड हो गया, और प्लस वाला 0.24 माइनस 0.4 जे, ऐसे ही आ रहा वैल्यू। अगर देखो यार डाउट हो तो बताओ, मतलब समझ। अवंतिका आपका कितना है वैल्यू? अच्छा शुभम,
अदिति अदिति अच्छा पारिक पारिक कौन है ये? अच्छा ठीक है, फिर से बताते हैं। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये अवंतिका और शुभम, आपको VSWR रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने आ गया है ना, वो निकालने आ गया है। अब देखो हमारा सर्किट, शुभम आपको निकालने आ गया है VSWR रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, क्या डाउट है बताओ, क्या लास्ट में समझ में नहीं आया इसमें? चैट क्या VSWR रीडिंग निकालते बताओ। ये 1.0 सेंटर हो गया, ये समझ में आ गया। 1.0 सेंटर है, यहाँ से जहाँ पे कोलाइड हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोलाइड हो रहा था, मान लेते हैं ये दो जगह कोलाइड हो रहा था, ठीक, ये दोनों कोलाइड यहाँ यहाँ ये था, इसको बांधते हुए एक सर्कल बना लेंगे, ऐसे सर्कल बन जाएगा, सर्कल बना। अब देखो ये सर्किल ही क्या हो गया है, सर्किल क्या हो गया अपना, VSWR हो गया, सर्किल ही VSWR हो गया आपको। हाँ अब VSWR की वैल्यू कैसे लिखनी है हमको, देखो ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ जहाँ भी कोलाइड कर रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी VSWR की। तो 4.2 कुछ आया होगा आपका, देखिए 4.2 आएगा यहाँ से, यहाँ 4 है, 4 के बाद देखिए यहीं पे कहीं कट कर रहा है, तो आंसर में कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा, VSWR क्लियर हो गया। अब देखो VSWR इक्वल टू क्या होता है, 1+mod tau/1-mod tau। मॉड टाउ क्या है, मॉड टाउ अपना रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो वहां से रिफ्लेक्शन कोफिशियंट कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 0.6 निकल के आएगा, मॉड टाउ की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो समझ गए रिफ्लेक्शन वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब उसका पता करना है कि कितना उसका डायरेक्शन है। तो ये जो सर्किल दिख रही है आपको यहाँ पे, यहाँ पे ये लाइन ये देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, यहाँ इधर देखिए, इधर राइट साइड में यहाँ दिखा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट राइट साइड में, जहां मैंने एरो, हाँ, तो इस चीज को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, इस चीज को आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पे जो कट कर रहा है, यहाँ पे कुछ 82 डिग्री पे कट करेगा, यहाँ पे ये कितना हो गया हमारा, एंगल हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का। अभी समझ में आ गया रिफ्लेक्शन कोफिशियंट? नहीं, जो हमारा नॉर्मलाइज्ड पॉइंट है वहां से इसको एक्सटेंड करेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वाली सर्किल पे, क्योंकि तो राइट साइड में देखिए सेकंड वाली सर्किल है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वाली, राइट साइड में देखो सेकंड सर्किल है, तो जब यहाँ पे कट करेगा तो यहाँ पे 82 डिग्री पे कट कर रहा है, तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, 82 डिग्री। अभी क्लियर हो गया, दो दो चीजें क्लियर हो गई। अब हमको पूछ रहा है इनपुट इम्पिटेंस, तो हम लोग देखो लोड से हमको कहाँ चलना है, जनरेटर की तरफ चलना है, एरो उधर बना हुआ है क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए राइट लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर यहाँ लिखा हुआ है, और हम लोग बेसिकली खड़े हैं इस जगह पे, इस जगह पे खड़े हैं जेड एन एल नॉर्मलाइज्ड पॉइंट पे खड़े हैं, तो 3.3 डिस्टेंस कवर करना है। तो मैंने बोला था जब एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा, लेमडा बाई टू होगा, तो जब 6 चक्कर लगा लेंगे तो 3 लेमडा पे आके हम लोग वापस यहाँ खड़े हो जाएंगे, 3 लेमडा पे वापस यहाँ खड़े हो गए 3 लेमडा पे। अब हमको जनरेटर देखना है, तो जो तीसरे वाली सर्किल है, थर्ड सर्किल, ये थर्ड सर्किल ये जनरेटर वाली सर्किल है, तो इसी चीज को और आगे एक्सटेंड कर देंगे, और आगे एक्सटेंड कर देंगे लास्ट तक, जहां पे आपका एंगल दिखा है उसके बाद कितना दिख रहा है, 0.14 दिख रहा है या 0.13 दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है आपको 0.13, इस जगह पे 0.13 दिख रहा है यहाँ पे, हाँ 0.13 या 0.14, इसमें 0.14 को ऐड करेंगे 0.3 से। ये समझ में आ रहा है ना हमको क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको उतना डिस्टेंस चलना है, 3.3 चलना है। जब हम 3 डिस्टेंस कवर किए तो वापस हम लोग इसी जगह पे आके खड़े हो गए, जब वापस इसी जगह पे आके खड़े हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.13, 0.13 प्लस 0.3 तो कितना आएगा, 0.43, 0.43 आएगा। तो
देखो 0.43 कुछ यहाँ पे होगा इस जगह पे, यहाँ पे 0.43 होगा, इसको क्या करेंगे इससे इंटरसेक्ट करवा देंगे। मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इसकी हमको वैल्यू लिख देनी है कि दोनों सर्किल की वैल्यू कितनी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पहले इस सर्किल को देखना है, पहले इस वाले सर्किल को देखना है, ये वाले सर्किल को, इसकी वैल्यू लिखनी है। फिर हमको क्या लिखनी है इस वाले सर्किल को, दूसरी वाले रिएक्टेंस वाले सर्किल की वैल्यू, मतलब किस पे काट रहा है। अगर यहाँ पे कोलाइड हो रहा है तो दोनों की वैल्यू लिखनी है, ये वाली सर्किल और दूसरी वाली, ये वाली सर्किल, ये जो आ रहा है, ये आ रहा है जो ये एक एक ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली, और एक ये वाली। अभी बताइए कहाँ दिक्कत है, अब वैल्यू बताइए आप लोग, मैं फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। स्मिथ चार्ट को सामने रखिए और फिर देखिए, दोनों सर्किल का वैल्यू लिखना है और कुछ नहीं करना है हमको। जो पहला हम जैसे हम लोग नॉर्मलाइज वैल्यू निकाल के लिख रहे थे वैसे ही लिखना है बस हमको। अभी समझ गए अवंतिका, आप समझिए, अभी बताइए कहाँ दिक्कत है। शुभम आप बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है। नीचे वाला सर्कल कौन सा, देखो देखो देखो, मान लो यहाँ पे आके कट कर रहा है, इस सर्किल पे आके कट कर रहा है 0.43 वाला, 0.43 तक समझ में आ गया ना। तो यार देखो इंटरसेक्ट कुछ नहीं करना है, इधर देखो बस ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। देखो ये 0.43 समझ में आया आपको कैसे आया, यहाँ पे ये 0.43, हाँ, तो इसको क्या करना है, इसको सीधा लाइन एकदम इससे इसको जोड़ना है, मतलब इसको एक्सटेंड, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ, जो 1.0 है आपका, ये 1.0 दिख रहा है, उसी चीज को एक्सटेंड करके 0.43 तक लेके आना है। 1.0 को जो सर्किल के अंदर ही उसी एक्सटेंड करके कहाँ लेके आना है, 0.43 तक, यहाँ पे 0.43 है, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं सर्किल पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना, जो सर्किल पहले बना होगा कहीं ना कहीं तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो उनकी दोनों वैल्यू को लिखना है, एक तो ये वाली सर्किल को, दो सर्किल जो मैंने बताया था रेजिस्टेंस रिएक्टेंस वाली सर्किल, इस सर्किल को, इस वाली सर्किल को, इसकी वैल्यू, और एक ये वाली वैल्यू, बस दोनों की वैल्यू लिख देना है हमको। वो हमारा इंटू जेड एल कितना दिया हुआ है, जेड नॉट कितना दिया हुआ है 50, ब्रैकेट के बाहर 50 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इनपुट इम्पीडेंस, और कुछ नहीं करना है अपने को। तो देखिए आएगा 0.24 माइनस, लिखिए यहाँ पे थर्ड वाले में लिखिए 0.24 माइनस जे 0.4 इंटू 50, 12 माइनस 20 जे आएगा इंटू 50। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहले ही नॉर्मलाइज वैल्यू आया हुआ है, अब हमको रियल वैल्यू चाहिए, तो पहले हम लोग डिवाइड किए थे 50 से, तो अब इस बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 माइनस 20 जे आएगा। अब इसको लगाइए आप लोग और इतना बताइए कि 12 माइनस 20 जे सबका आंसर आया, जब आगे आ जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, लगा देख के बताइए, लगाइए अपने अपने ग्राफ में लगाइए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। पांचों लोग लगाइए, जितने लोग भी क्लास में लगा के देखिए, पहले तो आपका जो इंटरसेप्ट करेगा वो करेगा 0.24 माइनस जे 0.4 में, और उसको क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देख के बताओ पहले मुझे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी लोग कॉपी पेन लेके लगाइए। रितिका क्लास कितने बजे था, रितिका वैष्णव क्लास कितने बजे था, कितना बज रहा है, तो इतना जल्दी कैसे आ गई आप, थोड़ा लेट आती, तो इसलिए तो बोला कि व्हाट्सएप चलाते हो आप लोग, फोन चलाते हो, दिन भर खोल के रखा करो, क्लास के टाइम जो हमारा टाइम है उस टाइम हमेशा क्लास होगा, अगर आगे बढ़ाना होगा तो मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ठीक है आप करिए, सवाल करिए, निकला अवंतिका आपका, निकला अदिति, निकला बताइए, देख के बताइए,
समझ में आ गया? कितना आया दी थी? हाँ मतलब आसपास ही आएगा, थोड़ा सा आपका सर्किल इधर उधर बन गया होगा, इतना ही के करीब आएगा, इतना मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना 0.5 बार इंटू 50 करेंगे हम लोग, क्योंकि 50 से डिवाइड किया था, तो इतना ध्यान रखिएगा दीप्ति, इंटू 50 करेंगे। प्रतिभा आपका आ गया, अवंतिका आपका, यार ईमानदारी से बताना, नहीं तो अगर दिक्कत होगा मैं 5 बार बताऊंगा, समझ में आना चाहिए बस। शुभम आपको आ गया? अच्छा ये पारिक आपको, वैष्णो जी, वैष्णो आपको, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है एडमिटेंस निकालने को, एडमिटेंस निकालने को। एक सेकंड, इसको मैं पूरा मिटा के फिर से बता दूं। जया क्लास कितने बजे था? जया क्लास कितने बजे था? क्या हो, जया को सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा देखिए, मान लेते यहाँ पे कोलाइड कर रहा था, तो ये हमारा इम्पिडेंस निकल गया। अब देखो कुछ नहीं करना है, एडमिटेंस के लिए क्या करना है, जो हमारे इंटरसेक्ट किया है सर्किल को, बस इसको एक्सटेंड कर देना है, इसको एक्सटेंड कर देना है, इसको एक्सटेंड कर देना। मान लो यहाँ पे एक्सटेंड करके इस जगह पे कोलाइड किया, दिख रहा है आपको, दिखा आपको? दिखा आपको? हेलो जया, क्या प्रेजेंट कर रही हैं आप यार, हमको ही प्रेजेंट करने दो। आपको दिख रहा है, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं जो, मान लो, हेलो आप लोगों को दिख रहा है? देखिए ये एक बार और दिखाता हूं मैं। देखो ये 0.43 वाली लाइन यहाँ थी, 0.43 वाली लाइन यहाँ थी, तो इसको यहाँ अगर एक बार इंटरसेप्ट करा देते हैं, 0.43 वाली लाइन ये थी। अगर मान लो यहाँ पे सर्किल पे, यहाँ ये सर्किल था हमारा, कुछ सर्किल था, मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेप्ट की 0.43 वाला, तो यहाँ से इनपुट इम्पिडेंस निकाल लिए, हमको निकालना है एडमिटेंस। तो इस जहाँ पे इंटरसेप्ट किया है, इसी चीज़ को सीधा स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो कुछ यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, कुछ वहाँ समझ रहे हैं आप लोग, कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो उसकी वैल्यू दोनों लिखनी है इंटू 50, वो हो गया एडमिटेंस वैल्यू। दोनों रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की यहाँ की वैल्यू लिखनी है इंटू 50 एडमिटेंस वैल्यू। खत्म हो गया सवाल, 10 नंबर का सवाल खत्म इसमें 4 से, और ये 100% आएगा। आप निकाल के बताइए वैल्यू कितनी है। इसी सर्किल को जो यहाँ पे इम्पिडेंस वाली सर्किल थी, जो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, उसको ही एक्सटेंड करके ले जाना है आगे बाहर वाली सर्किल पे। यहाँ पे अगर जो भी इंटरसेक्ट कर रहा है, उसकी दोनों वैल्यू लिखनी है, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी है इनटू 50, हमारा एडमिटेंस निकल के आ जाएगा। अब निकाल के बताइए कितना आया। 8 नंबर का आपका सवाल खत्म हो गया, इतना ही मही, तो बताइए निकाल के कितना आ रहा है आंसर। समझ गए क्या बोला हूं मैं?
समझे आप लोग क्या बोला हूं मैं? ऋतिक अभी अवंतिका वन इंटू फिफ्टी करने के बाद, हाँ इंटू फिफ्टी करना है ना, क्योंकि वो नॉर्मलाइज वैल्यू है, हमेशा इंटू इम्पिडेंस वाले केस में भी और एडमिटेंस वाले केस में भी हमेशा इंटू फिफ्टी करना है। शुभम आपको समझ में आया क्या बोला है? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, समझ क्लियरिटी रहना चाहिए। करो आराम से टाइम लेके करो। प्रतिभा आपको समझ में आया? अदिति जया सिसोदिया मैंने अभी ज्वाइन की है तो 9 बजे क्लास है जया, तो 9 बजे ही ज्वाइन करना है, लेट होना आपकी गलती है। देख के बताइए एडमिटेंस निकल जाएगा, आंसर बताइए एडमिटेंस का। दोनों सर्किल की वैल्यू लिखनी है बस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख के आंसर देना है बस हमको, और इस बार पॉजिटिव में आएगा क्योंकि राइट साइड डील कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव में आएगा, प्लस जे आएगा, प्लस जे, अगर नीचे रहता तो माइनस जे होता, अगर अपसाइड है तो प्लस जे। कितना आया प्रतिभा, कितना आया आंसर? हाँ, और अवंतिका आपका 50+80 जे, अदिति आपका भी उतना ही आया, शुभम रितिका रितिका आपका कितना आया आंसर? बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आ, समझ में आ रहा, आपको क्यों नहीं आ रहा है? तो यार आपकी गलती है ना, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, ये बोलने से पहले सोचो ना कि अभी भी ज्वाइन किया है। आप अगर नहीं आ रहा है तो बाकी लोगों से पूछो, अपने दोस्तों से पूछना बाद में। पारिक आपको समझ में आ रहा है? तो जिसको समझ में नहीं आया ये बाकी लोगों से पूछिएगा, जिनको आ गया है, प्रतिभा को आ गया, अदिति को, अवंतिका को, इनसे पूछिएगा आप लोग। तो आज इसमें चार्ट एक क्वेश्चन देते हैं कल के होमवर्क के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल देते हैं कल, ये कल देखेंगे, लगा के देखना। एक क्वेश्चन लिखिए, ए 10 ओम ट्रांसमिशन लाइन, ए 10 ओम ट्रांसमिशन लाइन, ए 10 ओम ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड, इस 10 ओम ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड टू ए लोड ऑफ, इज टर्मिनेटेड टू ए लोड ऑफ 0.5+20J, इज टर्मिनेटेड टू ए लोड ऑफ 0.5+20J, द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज, द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज 4.5 लैम्डा, द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज 4.5 लैम्डा। फाइंड बी एस डब्ल्यू आर, फाइंड बी एस डब्ल्यू आर रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट एडमिटेंस।
वीएसडब्ल्यू आर, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट एडमिटेंस। क्वेश्चन क्लियर है? तो कल लगा के लाइएगा, अगर ये लगा लिए तो इससे बाहर के सवाल नहीं आता है, एक सवाल आएगा पक्का आपका, आपका एंड टर्म जब भी होगा तो आपको इसमें चार्ट भी दिया जाएगा, जैसे मन करे वैसे लगाना। तो इसलिए एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, समझ में आ जाएगा तो 10 नंबर का सवाल आपका हो जाएगा इसमें। ट्रांसमिशन लाइन पे बेसिकली बेस्ड है ये ट्रांसमिशन लाइन। अभी आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि जब बिना स्मिथ चार्ट का प्रॉब्लम लगाएंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगा। अभी स्मिथ चार्ट के यूज करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से, कुछ नहीं करना है, बस चार्ट पे बनाना, अगर समझ में आ गया तो कितना से भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आराम से लगा लेंगे। तो स्मिथ चार्ट इसी से खत्म हो गया, कल क्वेश्चन लगाइएगा, अगर कल कोई डाउट होगा तो कल मैं क्लियर कर दूंगा। अभी कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई दिक्कत है अभी? अच्छा, ये बायोमेडिकल की भी क्लास है अभी, तो क्या करे, अभी पढ़े कि 11 बजे पढ़े, कब पढ़े बताइए आप लोग। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं बायोमेडिकल का। अच्छा देखो, तो बायोमेडिकल मैंने स्टार्ट किया तो क्या बोला था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से जो भी बायोमेडिकल यूजर्स में एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन कंसेप्ट टू मेडिसिन एंड बायोलॉजी, मतलब किसी भी चीज़ को डिजाइन करना हो, कोई मेडिसिन बनाना हो या कुछ मशीन्स बनाना हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके हम लोग बायोलॉजी में यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोमेडिकल। ये क्लियर था ना, बायोमेडिकल क्या होता है समझा देंगे? Yes, तो अब ये पीपीटी है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, एक गूगल क्लासरूम बनाऊंगा उसमें सारा पीपीटी शेयर भी कर दूंगा, इसमें पीपीटी के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, लिखना ही है आपको, तो एक बार मैं समझा दूंगा, अगर समझ जाइएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं समझा वैसा भी बता दूंगा। तो तब तक बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, बायोमेडिकल समझ में आ गया था। अब क्या करता है ये, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सपोर्ट, कुछ भी हमको बनाना हो तो हम लोग इसके एप्लीकेशन के थ्रू बना सकते हैं। इसका काम क्या है, इट इम्प्रूव द फील्ड्स ऑफ हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग एंड थेरेपी। कुछ भी करना हो, अगर क्या करना हो, हेल्थ, अपना हेल्थ कर, बीपी ना अपना हो तो बायोमेडिकल का यूज करेंगे, किडनी का डायग्नोसिस करना हो, कुछ भी करना हो तो बायोमेडिकल का ही यूज करेंगे। और वो क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन है जो बायोलॉजी में यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो आगे बढ़ते हैं, अब सबसे पहले देखते हैं बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट, आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ईएमआई पढ़े होंगे, आप लोगों को लखन सर ने पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, ईएमआई पढ़े होंगे, ईएमआई पढ़ा है आप लोगों ने? ईएमआई क्यों पढ़ते हैं, ईएमआई क्या बताता है, बेसिकली ईएमआई होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन को, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन को? ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना हमको जो चीजों को मेजर कर सके, उनके रिकॉर्ड को रख सके और एक जगह से दूसरे जगह डाटा को ट्रांसमिट कर सके, इसीलिए तो इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देखिए बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वो ऐसा फील्ड है जहां पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग डेवलप करते हैं जो चीजों को मेजर करे, उनको रिकॉर्ड कर सके और ट्रांसमिट हो सके एक जगह से दूसरे जगह के। अब देखिए जो थर्मामीटर है हमारा टेम्परेचर नापता है, तो हर दिन अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो हर दिन वो क्या, वो चीज़ें क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। अब उसको हम लोग कंप्यूटर में फीड करके क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड उसका रख लेंगे कि आज इतना था, कल इतना था, परसों इतना है, नरसों इतना है, और किसी भी मतलब एक दूसरे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं उतने रीडिंग को। तो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वही होता है जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है विच इज यूज टू मेजर, रिकॉर्ड एंड ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम द बॉडी, मतलब अपने शरीर से अगर कुछ भी नापना हो कि तो उसके लिए हम लोग बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हैं जो शरीर में जाके चीज़ों को नाप सके।
हम लोग जीभ के अंदर ही तो डालते हैं थर्मामीटर, जो ये बीपी मशीन होता है, बीपी मशीन को क्या करते हैं, हाथ में लगा के बांधते हैं, फिर वो क्या करता है हमको अपना बताता है कि आपका बीपी कितना चल रहा है, मशीन में दिखाता है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो हमारे शरीर में यूज हो रहा है और हमारे शरीर के डाटा को बता रहा है, आगे दिखा रहा है। ये क्लियर है हमको बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है? बोलते जाइए यार, अगर नहीं है तो बताइए आगे पीछे फिर से। और देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो यही हो गया बेसिकली, इंस्ट्रूमेंटेशन इज द यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ए प्रोसेस। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेस वेरिएबल विद इन अ प्रोडक्शन लेबोरेटरी या मैन्युफैक्चरिंग एरिया। मतलब चीज़ों को रिकॉर्ड करके एक दूसरे दूसरे जगह पे ट्रांसमिट करना, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन। आप लोग पढ़े होंगे तो बेसिकली हम लोग को बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट से डील करना है। देखो क्या होता है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट आर एसेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ द एनी मेडिकल लेबोरेटरी। देयर शुड बी नो इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट ऐसा चीज होता है जिसमें हम लोग सामान को रखते हैं। अब आप लोग केमिस्ट्री लैब में, इसमें लैब में जाइएगा, आप दूसरे लैब में जाइएगा तो इक्विपमेंट्स रखा होगा, अलग अलग एसिड रखा होगा, अलग अलग चीजें रखा होगा। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, इक्विपमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। इक्विपमेंट ये होता है जिसमें हम लोग किसी चीज को रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ये होता है जो हम लोग बॉडी के अंदर यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज का रिकॉर्ड रख सकते हैं, नाप सकते हैं कि ये चीजें, हमारा टेम्परेचर कितना है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है, लीवर कैसा फंक्शन कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट इस चीज को बोलते हैं। तो नेवर कंफ्यूज विद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अलग चीज है और इंस्ट्रूमेंट अलग चीज है। तो जो मैंने बोला था लेबोरेटरी इक्विपमेंट रेफर टू वेरियस टूल यूज बाय लेबोरेटरी, मतलब जो लैब में रखा होता है वो सब इक्विपमेंट होता है कि इस इक्विपमेंट में ये है, इस इक्विपमेंट में ये है। इन सब इन दोनों चीजों से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया है क्या होता है, इक्विपमेंट क्या होता है जिसमें हम लोग चीजों को कैरी करते हैं। अब लेबोरेटरी इक्विपमेंट से जनरली यूज आइदर टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट और टेक मैनेजमेंट एंड गैदर डाटा। हाँ, तो जो वहां पे लगा रहता है, जो जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर्स हो गया, नाम सुना होगा बचपन में पढ़ा होगा, तो वो क्या हो गया, इक्विपमेंट हो गया। हमारा बीपी मशीन हो गया तो वो क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इंस्ट्रूमेंट हमारे शरीर में यूज होता है, इक्विपमेंट शरीर में यूज नहीं होता है। समझ गए ना? डाउट? हाँ, तो देखो कितने तरह का बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एक तो होता है डायग्नोसिस इक्विपमेंट, फिर होता है थेरापेटिक इक्विपमेंट, फिर क्लिनिकल इक्विपमेंट, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, रिसर्च इक्विपमेंट। सबसे पहले डायग्नोसिस इक्विपमेंट देखते हैं। तो डायग्नोसिस एक प्रोसेस होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मतलब जिसमें पेशेंट्स के मतलब इलनेस हिस्ट्री को देखते हैं, मतलब पीछे से क्या चला हो रहा है। आप लोग सुने होंगे कि किडनी का डायग्नोसिस करना है, मतलब किडनी को पूरा क्लियर करना है। पहले तो उसको उसके बारे में आपको देखना होगा कि 10 दिन का किडनी का रीडिंग निकालेंगे कि इतना रीड कर रहा है, आज 3.3 है, कल 3.2 है, फिर 3.1 है। तो हमको बेसिकली करना क्या है, किडनी को क्लियर करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। मतलब पहले असेसमेंट करना है, फिर उसका इवोल्यूशन करना है। आप लिखिए, एक लाइन लिखिए इसमें, द स्टेप्स फॉर ऑफ द डायग्नोसिस प्रोसेस, द स्टेप्स ऑफ डायग्नोसिस प्रोसेस, द स्टेप्स ऑफ डायग्नोसिस प्रोसेस फॉल्स इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, फॉल्स इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। पहला होता है असेसमेंट होता है, पेशेंट को पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, उनका हिस्ट्री देखते हैं कि क्या चल रहा है, कि 10 दिन का रीडिंग निकाल के देखते हैं कि कहाँ दिक्कत है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं पेशेंट का, कि क्या कंप्लेन है, सिम्टम्स क्या है, और किसके थ्रू डिफरेंट डायग्नोसिस क्या क्या करना पड़ेंगे, डायग्नोसिस टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब डायग्नोसिस मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर क्या दिक्कत है उसको जांच करना, उसको उसका जांच करना, उसी को हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस। मतलब अगर अगर एक सीधे शब्दों में बोलूँ मैं, अगर आपका किडनी खराब है, लीवर खराब है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पहले सबसे पहले क्या बोलेगा कि किडनी का आप जांच करा के आइए, फिर उसका एक रीडिंग आएगा, फिर वो देखेगा कि उस लिमिट से बाहर है क्या। अगर उस लिमिट से बाहर होगा तब उसको लगेगा किडनी में प्रॉब्लम है, फिर उसको पूछेगा कि आपको क्या क्या दिक्कत है। तो ये सब डायग्नोसिस प्रोसेस में हुआ कि इस पे काम कर रहे हैं, इस क्या कर रहे हैं हम लोग, एक तरह से असेसमेंट कर रहे हैं, इसका इवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस, मतलब इस पे काम करना है, उसका हिस्ट्री क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हर शरीर का और भी पार्ट्स का जांच करेंगे कि कोई दिक्कत है तो नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। फिर आता है थेरेपेटिक इक्विपमेंट। तो
जो जब बेसिकली थेरापेटिक ह्यूमंस पे यूज होते हैं और जिस शरीर पे फिजिकल या मैकेनिकल इफेक्ट जो बॉडी को मॉनिटर करता है फिजिकली या मैकेनिकली। अब देखो अगर आप वेंटिलेटर मशीन लगाए हो, सांस लेने में दिक्कत है, तो वो क्या हो गया, थेरेपेटिक प्रोसेस हो गया। मतलब मैकेनिकल प्रोसेस से आपको सांस, आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू आपको सांस दिया जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थेरेपेटिक इक्विपमेंट। वेंटिलेटर मशीन हो गया, एक आर्टिफिशियल मशीन हो गया जो आपको सांस लेने के में यूज हो रहा है। तो अगर एक लाइन में बोलेंगे तो थेरेपेटिक प्रोसीजर दैट कैन प्रिवेंट, क्योर एट लीस्ट, इम्प्रूव द पर्सन, मतलब कंडीशंस, लोगों के हालत को सुधार कराता है थेरेपेटिक से। मतलब अगर जो भी आपका वेंटिलेटर मशीन है उससे क्या हो रहा है, पहले आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी, बाद में सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रहा है, तो इसी के थ्रू हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं थेरेपेटिक इक्विपमेंट। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये सब बायोलॉजिकल टर्म्स है यार, इसमें ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, बाकी आप लोग लिख लेंगे यार, आपको आता ही होगा। अब क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मतलब मॉनिटर करने के काम आता है। आप देखे होंगे हार्ट रेट का वो सिग्नल बन के आता है, कितना हार्ट रेट चल रहा है, तो हार्ट का क्या चल रहा है, मॉनिटरिंग चल रहा है वहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्लिनिकल इक्विपमेंट। फिर आता है लेबोरेटरी इक्विपमेंट, रिसर्च इक्विपमेंट। रिसर्च मतलब जान के पढ़ के कि ये बीमारी है, ये दिक्कत है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जांच करेंगे, फिर कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन। अब बेसिकली दो तरह का होता है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, वाइवो एंड विट्रो। अगर ह्यूमन के अंदर कोई बीमारी है तो उसको हम लोग बोल, अगर मेजरमेंट हमको ह्यूमन के अंदर लेना है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइवो, मतलब डिवाइड इंसर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू मेजर पीएच ऑफ ब्लड। अगर खून के अंदर कुछ अगर शरीर के अंदर कुछ डाल रहे हैं और पता कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वीवो। अगर विट्रो क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब अगर हम लोग ब्लड का सैंपल ले लिए बाहर तब उसको जांच करेंगे तो उसको बोलेंगे विट्रो। अगर इंजेक्शन लगा के अंदर शरीर के अंदर ही जांच कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे वाइवो। तो दो तरह का होता है ये, वाइवो विट्रो। तो बेसिकली ये टर्म्स है, आप लोग एक बार नेट पे भी सर्च करिएगा, ये सब टर्म्स है कि कितने तरह का इक्विपमेंट होता है, कैसे यूज होता है बायो बायोमेडिकल में। यही सब चीज़ें मैं आपको पीपीटी गूगल उस क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। और एक तरह से ये बहुत आसान सब्जेक्ट है यार, अपने को समझना है और अपने को लिखना है बस, ऐसा नहीं कि कुछ रटना है, बस जो चीज़ें समझ रहे हैं हम लोग उसी चीज़ को लिखना है। तो ये मैं गूगल क्लासरूम बना के पीपीटी वहाँ पर शेयर भी कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है? नमस्कार। ठीक है, तो आगे कल देखते हैं, आगे मैं आपको बता दूंगा, भेज दूंगा पीपीटी, और ये चीजें पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीजें हैं, जहाँ आप एक बार पढ़िएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और सिलेबस भी ज्यादा नहीं है बायोमेडिकल का, तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे हम लोग। आज इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े हैं, कितने तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, 5 तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सब मैं डाल दूंगा आपको गूगल क्लासरूम में, वहां से आप लोग शेयर करके पढ़ लीजिएगा खुद से। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। प्रॉब्लम है कोई तो कल मिलते हैं, तो आप लोगों को सवाल करके आइएगा, जो भी सवाल दिया है मैंने वो करके आइएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा स्मिथ चार्ट क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ओके ठीक है, कल मिलते हैं, ओके।